वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जिस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वो है एक मिनी ब्लूटूथ स्पीकर। मिनी ब्लूटूथ स्पीकर कैसे बनाना है, इसी टॉपिक के ऊपर आज हम लोग काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिनी ब्लूटूथ स्पीकर बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए होगा ये पैम 8403 5 वोल्ट ऑडियो बोर्ड और एक ब्लूटूथ मॉड्यूल, 5 वोल्ट ब्लूटूथ मॉड्यूल और ऐसा एक 2 इंच का स्पीकर और पावर सप्लाई के लिए एक 3.7 वोल्ट की लिथियम बैटरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो PAM8403 ऑडियो बोर्ड है 5 वोल्ट का, उसके साथ ये ब्लूटूथ का 5 वोल्ट जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है, इस ब्लूटूथ मॉड्यूल का वायरिंग करना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एल टी और आर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है लेफ्ट राइट और कॉमन, देखिए लेफ्ट राइट कॉमन, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है देखिए 5 वोल्ट, 5 वोल्ट प्लस और माइनस, यहाँ होगा बैटरी से इनपुट आएगा और यहाँ से जो 3 वायर निकलेंगे एल टी और आर। तो देखिए इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में पीछे घुमा के देखिएगा, देखिए एल आउट ग्राउंड आर आउट, मतलब जो 8403 जो बोर्ड है इससे जो एल का वायर निकल के आएगा वो इस वाले जो एल आउट पर लिखा हुआ है उस पर आके सोल्डरिंग होगा, और 8403 इस छोटा बोर्ड का जो ग्राउंड वाला वायर है जो टी है, एल टी टी जो है, तो वो आके ये ग्राउंड पर कनेक्ट होगा और जो आर है वो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आके सोल्डरिंग होगा, ठीक है। और ये VCC और ग्राउंड है जो इसमें 5 वोल्ट इनपुट के लिए है, जो तो इससे ही हम लोग एक काम करेंगे, 5 वोल्ट इनपुट यहाँ से 2 वायर कनेक्ट करके इस पे 2 वायर कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट करके कॉमन करके सीधा एक वायर निकाल लेंगे जो हमारे बैटरी पर जाके कनेक्ट होगा। और ये जो 8403 ब्लूटूथ ऑडियो बोर्ड है तो उसमें देखिए आउटपुट के लिए देखिए एल लेफ्ट राइट का स्पीकर के लिए पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस और राइट साइड का स्पीकर के लिए प्लस और माइनस दिया हुआ है। इससे आप 2 स्पीकर चला सकते हैं। फिलहाल मेरे पास अभी एक ही है तो एक ही मैं चला के दिखाऊंगा। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं, उसके बाद चला के देखते हैं। फ्रेंड्स अगर मेरे बोलने में कोई दिक्कत आई तो माफ़ कीजिएगा, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिए से लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक कमेंट छोड़ कर जाइएगा, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्डरिंग शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऐसे 3 वायर ले लिए हैं छोटे छोटे, जिसको आगे से मैंने छील के सोल्डरिंग कर दिया थोड़ा थोड़ा। अब मैं इससे सोल्डरिंग करके मैं आपको कनेक्शन पूरा पूरी दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं। जो पहला वायर जो रेड वायर है वो हम लोग एल में जोड़ेंगे, हो गया। ये ब्लैक वायर लेंगे जो टी जो था उसमें जोड़ेंगे, फिर से एक रेड वायर जो लिए है उसको हम लोग आर जोड़े है उसमें सोल्डरिंग करेंगे। देखिए ये हो गया। अब इससे ब्लूटूथ का जो कनेक्शन है वो भी करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ में एल लिखा हुआ है, एल आउट, बीच में एक ग्राउंड आर आउट और यहाँ पे VCC ग्राउंड है। तो एक काम करेंगे हम लोग, इससे जो एल आ रहा है ब्लूटूथ को पहले मैं सीधा लगा लेता हूँ। तो इससे जो एल का पॉइंट आ रहा है उसको मैं यहाँ पे लिखा हुआ है एल लिखा हुआ है जी ब्लूटूथ में जहाँ पे एल लिखा हुआ है, एल पॉइंट है उसके से ठीक ऊपर मैं सोल्डरिंग कर दूँगा। उसके पास ही में होगा आपका ग्राउंड के लिए, तो ग्राउंड भी दे दूँगा। उसके पास है आर आउट के लिए, आर आउट पे सोल्डरिंग कर दिया हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार दिखा देता हूँ। जो देखिए ऑडियो बोर्ड से जो एल टी और आर जा रहा है तो ब्लूटूथ के पीछे भी लिखा हुआ है, देखिए एल आउट ग्राउंड आर आउट,
तो ऑडियो बोर्ड से जो एल का वायर जो एल का वायर जो आ रहा है वो देखिए सीधा जाके इसके एल पे इसके लेफ्ट पे कनेक्ट हो रहा है। देखिए पीछे घुमा के देखिए, देखिए तो ब्लैक वाला ग्राउंड पे आ गया और एक जो रेड है वो राइट पे आ गया। ठीक है, जैसा जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसा वैसा ही आपको सोल्डरिंग करना पड़ेगा। इसका एल इसके एल से आएगा, इसका एल इसके एल पे आके सोल्डरिंग होगा। इसका टी मतलब टी बोले तो ग्राउंड है, इसका जो ग्राउंड है इसमें टी लिखा हुआ है, इसमें ग्राउंड लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका ग्राउंड इसके ग्राउंड से आएगा और इसका आर इसके आर पे कनेक्ट होगा। ठीक है, अब पावर सप्लाई के लिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 5 वोल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए यहाँ पे दो वायर कनेक्ट होंगे। यहाँ से दो वायर जो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए कनेक्ट होगा वो सीधा आके ब्लूटूथ के पॉजिटिव नेगेटिव जो है उस पर कनेक्ट होगा, जो पीछे लिखा हुआ है। देखिए VCC ग्राउंड, VCC का मतलब है पॉजिटिव और ग्राउंड का मतलब है नेगेटिव। तो ठीक है, तो इस दो वायर लेके इसमें सोल्डरिंग करके फिर इसके पीछे से लोग दो वायर निकाल देंगे तो हम लोगों का क्या होगा, एक ही सप्लाई के साथ दोनों बोर्ड काम करेंगे। ठीक है, तो करता हूँ करके आपको दिखाता हूँ। तो पहले में हम इसको लगा लेंगे इसमें। मैंने एक दो वायर ले लिए हैं, ब्लैक वायर मैं ग्राउंड के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और ये रेड वायर पॉजिटिव के लिए। ठीक है, अब हम ब्लूटूथ के कनेक्शन पे आएंगे। देखिए ब्लूटूथ का VCC जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे पॉजिटिव और ठहरिए, ब्लूटूथ का VCC जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे पॉजिटिव और ग्राउंड लिखा है वहाँ पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो कनेक्शन करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सबसे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कनेक्शन कंप्लीट हो गया। जैसा जैसा लिखा हुआ है दोनों बोर्ड में वैसे वैसे आपको कनेक्शन कर देना है, कंप्लीट। अब मैं पावर सप्लाई के लिए दो वायर निकाल लेता हूँ, जो निकलना है हमको यहीं से निकाल लेता हूँ। जो बोर्ड है ऑडियो बोर्ड है वहीं से पावर सप्लाई के लिए दो वायर निकाल लूँगा। तो ये रहा पॉजिटिव के लिए, रेड वायर कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव के लिए ब्लैक वायर। तो देखिए मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए पावर सप्लाई के लिए रेड और ब्लैक वायर कनेक्ट कर दिया है। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है स्पीकर के कनेक्शन के ऊपर, तो स्पीकर के कनेक्शन पे हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पे जो एल लेफ्ट लिखा हुआ है राइट लिखा हुआ है, तो जिस किसी टर्मिनल पे देखिए प्लस पॉजिटिव नेगेटिव, एल पॉजिटिव नेगेटिव और राइट पॉजिटिव नेगेटिव है, तो जी दोनों टर्मिनल पे स्पीकर जॉइंट होगा। तो मेरे पास फिलहाल एक ही स्पीकर है तो मैं एक ही तरफ जॉइंट करूँगा, पॉजिटिव नेगेटिव देख के स्पीकर जॉइंट कीजिएगा। ठीक है, मैं करता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्पीकर कनेक्शन कर दिया, ये रहा स्पीकर पॉजिटिव नेगेटिव से आके। देखिए आर जहाँ पे लिखा हुआ है आर प्लस और माइनस वहीं पे कनेक्ट कर दिया, और अगर एक और स्पीकर होता तो एल पॉजिटिव और नेगेटिव जहाँ पे लिखा हुआ है प्लस माइनस वहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इस पे सप्लाई देने के लिए मैं यूज़ करूँगा ये 3.7 वोल्ट की लिथियम बैटरी। तो बैटरी का कनेक्शन करके मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए बैटरी से जो नेगेटिव वायर था मैंने उसको कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे मैं पॉजिटिव वायर कनेक्ट करूँगा, देखिए जैसे मैं पॉजिटिव वायर कनेक्ट करूँगा देखिएगा एक ब्लूटूथ मॉड्यूल से देखिएगा एक आवाज़ आएगी। देखिएगा देखिए कनेक्शन हो गया है। अब मैं इसको ब्लूटूथ से अपने फ़ोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, ये जो 3.0 BT दिखा रहा है वही है ब्लूटूथ का भी है। देखिए मैं जैसे कनेक्ट किया बोल दिया कनेक्टेड। अब मैं एक NCS सॉन्ग प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए देखिए फ्रेंड्स चल रहा है। फुल साउंड पे चलाता देखो, फुल साउंड में आवाज़ फट रही है इसीलिए थोड़ा कम करके दिखा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे और कोई कनेक्शन नहीं है, अलग से कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए सिर्फ बैटरी है, दोनों ब्लूटूथ मॉड्यूल और ऑडियो बोर्ड है और वायर कनेक्ट होकर स्पीकर पर लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ कनेक्ट होकर रखा, जैसे मैं ऑफ करूँगा ब्लूटूथ ऑफ हो जाएगा। देखिए डिसकनेक्टेड हो गया, फिर से मैं कनेक्ट करूँगा, कनेक्टेड किया और मैं NCS को प्ले करूँगा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं ब्लूटूथ से आपका वायर खोल देता हूँ, नहीं तो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम कर जाएगी। मैंने स्विच यहाँ पे लगाया नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।